जैसा कि ये सर्वविदित है कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटों में से खासकर उत्तर प्रदेश की 80, बिहार की 40 व पश्चिमी बंगाल की 42 सीटों पर, अर्थात कुल मिलाकर इनकी 162 लोकसभा की सीटों पर यहाँ के करोड़ों गरीबों व मेहनतकश लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्त तौर पर संगठित होकर बीजेपी एवं श्री नरेंद्र मोदी की अहंकारी, निरंकुश व इनके अधिकांश मामलों में रही जन विरोधी सरकार के खिलाफ काफ़ी डटकर चुनावी लड़ाई लड़ी है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और जिसके आधार पर ही पूरे देश में ये आम धारणा बन गई थी कि खासकर इन तीनों राज्यों के कारण ही अब श्री मोदी सरकार को लोकसभा आम चुनाव में ना तो पूर्ण बहुमत मिलेगा और ना ही इनकी सरकार दोबारा बन पाएगी। ये इन तीनों राज्यों से ये मैसेज जा रहा था, लेकिन आज लोकसभा आम चुनाव का परिणाम जन भावना व जन अपेक्षाओं के ठीक इसके उल्टा ही आया है, विपरीत ही आया है। ये केवल सोचने व समझने की ही बात नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ देश की आम जनता को यथास्थितिवादी व पूंजीवादी समर्थित गुलामी वाली व्यवस्था को बदलने के लिए और भी कुछ करने के वे आगे और भी बड़ी लड़ाई लड़ने को मजबूर करता है। और भी कुछ करने वे आगे और भी बड़ी लड़ाई लड़ने को मजबूर करता है। और वैसे भी जब देश की सारी व्यवस्था, संस्था आदि निरंकुश सरकार के सामने घुटने टेकने लगे, तो तब फिर अंत में देश की जनता को खड़ा होना पड़ता है। जिस संबंध में भारत का राजनीतिक व चुनावी इतिहास काफी धनी है और सारी दुनिया के लिए ये एक मिसाल भी है, और इसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। साथ ही वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा का संघर्ष अपने भारत देश में कोई नई बात नहीं है। इस संघर्ष ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और अच्छी खासी सफलता भी अर्जित की है, और इसके फलस्वरूप ही फिर देश के राजनीतिक इतिहास में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए और समाज के उपेक्षित, दलित, शोषित व उपेक्षित वर्गों के लोगों की सत्ता व सरकार में कुछ हद तक भागीदारी भी बढ़ी है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसे भी अब ईवीएम के माध्यम से इसे भी अब खासकर ईवीएम के माध्यम से वर्तमान सत्ताधारी पार्टी ने, अर्थात बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने पूरे तौर से हाईजैक कर लिया है, और ईवीएम से चुनाव कराने की यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अनेकों कमियां हमारे संज्ञान में आई हैं। इसलिए पूरे देश में ईवीएम का लगातार विरोध हो रहा है, और आज आए नतीजों के बाद से तो अब जनता का इस पर से काफी कुछ विश्वास ही खत्म हो जाएगा, अर्थात चला जाएगा। जबकि इस मामले में देश की अधिकतर पार्टियों का चुनाव आयोग व बीजेपी को ये कहना रहा है कि ये वह ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए, तो फिर चुनाव आयोग व बीजेपी को भी इस पर आपत्ति क्यों होती है? इनको मान लेना चाहिए। और लेकिन ये ना तो चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार है और ना ही बीजेपी मानने के लिए तैयार है, सत्ताधारी जो पार्टी है। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और उत्तर प्रदेश में जो आज नतीजे आए हैं, तो हम सोचकर ऐसा नहीं चल रहे थे कि गठबंधन का इतना खराब नतीजा आएगा, हम गठबंधन का इतना खराब नतीजा आएगा कोई सोच के नहीं चल रहा था।
लेकिन जो भी कुछ सीटें गठबंधन की हमारी जीती हैं, तो ये भी योजनाबद्ध तरीके से ऐसा लग रहा है कि कुछ सीटें इन्होंने जानबूझकर वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं कराई, कुछ सीटें इन्होंने छोड़ी हैं प्लानिंग के तहत, तो ताकि जनता को ये लगे कि हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है। और बाकी ज्यादातर जगह पर इन्होंने गड़बड़ी की है, तो इसलिए, लेकिन अधिकांश पार्टियां ये चाहती हैं चुनाव आयोग से भी और सत्ताधारी पार्टी से भी, कि जब जनता का इसके ऊपर से विश्वास काफी हद तक उतर चुका है, खत्म हो चुका है, जनता की मजबूरी है, जब और कोई बैलेट पेपर की व्यवस्था नहीं होगी तो जनता तो अपना वोट कहीं ना कहीं तो कैसे ना कैसे तो डालेगी। जब बैलेट पेपर की व्यवस्था नहीं है और ईवीएम की है तो उनको वोट तो डालना है, लेकिन जनता इससे संतुष्ट नहीं है। आज पूरे देश में जनता ये देख रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके के नतीजे बीजेपी के पक्ष में, जैसा लोग सोच भी नहीं रहे थे कि ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, तो ये लोगों के जहन के नीचे से, गले के नीचे से आसानी से नहीं उतर रहा है। लेकिन सभी, अधिकतर सभी पार्टियां ये चुनाव आयोग से बीजेपी को ये लगातार कह रही हैं कि वह ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए, तो फिर चुनाव आयोग में बीजेपी को भी इस पर आपत्ति क्यों हो रही है? यदि कोई गड़बड़ नहीं है, इनके दिल में कोई काला नहीं है, तो फिर क्यों नहीं बैलेट पेपर से ये चुनाव करा रहे हैं? देश के लोकतंत्र के व्यापक हित में वे ये फैसला लेने के लिए क्यों आनाकानी कर रहे हैं, क्यों पीछे हट रहे हैं? इससे चुनावी बेईमानी, धांधली की आशंका ऐसा होने से तो इससे चुनावी बेईमानी, धांधली की आशंका और भी ज्यादा प्रबल हो जाती है। और अब ऐसे में चुनावों को बैलेट पेपर से ही कराए जाने की मांग पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी गंभीरता पूर्वक जरूर सोच विचार करना चाहिए। ऐसी हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी पुरजोर मांग है, वरना फिर भारत के लोकतंत्र की इज्जत यहां जातिवादी वह पूंजीवादी व्यवस्था वालों के हाथों में ही लगातार लूटती रहेगी। और फिर एक व्यक्ति एक वोट, वह हर वोट की एक समान कीमत की भी, इस अति मानवतावादी संविधानिक व्यवस्था का सही मतलब ही नहीं रह पाएगा। इसके साथ ही अब समय आ गया है कि वोट के अधिकार को मौलिक अधिकार में भी शामिल किया जाए, ताकि उसी के अनुरूप देश की चुनावी व्यवस्था को पूरे तौर से सही, सार्थक व ईमानदार बनाया जा सके। इसके साथ ही अब मेरा यही कहना है कि देश बड़ी मायूसी के साथ ये देख रहा है कि उच्च पदों व संस्थानों में बैठे लोग किस प्रकार से सत्ता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, जिसका खामियाजा आखिर में देश की उन करोड़ों जनता को भुगतना पड़ता है, जिनके हित की चौकीदारी व रखवाली के लिए इन संस्थाओं को संविधान ने जन्म दिया है। परंतु याद रहे, इससे देश की जनता को आघात जरूर पहुंचा है, लेकिन वह ना तो पहले कभी हारी है जनता, और ना ही अभी भी वह अपनी हार मानने वाली है, और ना ही आगे भी कभी अपनी हार मानने वाली है। अर्थात इन सब का जनता सूद से ही बदला लेना भी खूब जानती है, केवल समय जब आएगा तो जरूर बदला लेगी। जहां तक इस लोकसभा आम चुनाव के आए अप्रत्याशित परिणाम के संबंध में आगे की कार्य योजना बनाने का मामला है, तो इस बारे में हमारे गठबंधन की तीनों पार्टियों अर्थात बीएसपी, सपा व लोकदल तथा हमारी तरह पीड़ित अन्य और पार्टियों के साथ भी मिलकर आगे की रणनीति भी जरूर तय की जाएगी। ऐसा नहीं कि हम लोग चुप बैठ जाएंगे, आगे की रणनीति भी जरूर तय की जाएगी। लेकिन आज बीजेपी के पक्ष में आए अप्रत्याशित ये चुनावी परिणाम पूरी तरह से आम जनता के गले के नीचे से नहीं उतर पा रहे हैं, जिसे सहन करना जनता के लिए काफी मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव भी लगता है। इसके साथ ही
ये भी सर्वविदित है कि हमारे गठबंधन की पार्टियों के अर्थात बीएसपी सपा व आरएलडी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों नेताओं सांसदों व विधायकों आदि ने भी इस चुनाव में पूरे तन मन धन से कड़ी मेहनत व लगन से लगातार काम किया है। इस चुनाव में एक पूरे गठबंधन ने मिलकर काम किया, उन सभी का मैं हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और इस मामले में मैं खासकर सपा के प्रमुख श्री अखिलेश यादव ने वह राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह ने भी अपनी जिस पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ अपने गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जिताने की जो पूरे जी जान से कोशिश की है, तो उसके लिए मैं उनका भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हालांकि उत्तर प्रदेश सहित अन्य और राज्यों में भी हमें अपनी मेहनत के फलस्वरूप अपेक्षित नतीजे नहीं मिलने पर काफ़ी तकलीफ तो जरूर हो रही है, बहुत दुख है हमें, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संघर्षों से प्रेरणा लेकर फिर भी हमें अपनी मेहनत व संघर्ष को लगातार जारी रखना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह हमारा जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही हमारा जीवन है, अर्थात यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तो तभी फिर सफलता भी हमारे एक ना एक दिन कदम जरूर चूमेगी। वैसे भी हमारा शुरू से ही संघर्ष यहाँ करोड़ों गरीबों मजदूरों किसानों बेरोजगारों वे अन्य मेहनत कश लोगों के साथ साथ दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित व कल्याण एवं उनके भविष्य से ही जुड़ा रहा है।